आज मैं यहाँ नेशनल हाईवे जो ओल्ड अलाइनमेंट है नेशनल हाईवे की रामबन से लेके और करोल तक, ये नेशनल हाईवे ओल्ड अलाइनमेंट है और आप देख रहे हैं कि इस नेशनल हाईवे का जो ओल्ड अलाइनमेंट है क्या हाल है। देखिए क्या हाल है, किस तरह से पानी जमा है और आप देखिए किस तरह से पहाड़ी जो है गेमन कंपनी की वजह से इन्होंने यहाँ पे दीवार चढ़ाई, नीचे कटिंग कर दी और कटिंग करने की वजह से लैंडस्लाइड बन गया। उस लैंडस्लाइड के बनने की वजह से ये दीवार जो है ये नीचे आ गई, जो नेशनल हाईवे की जो रोड है उसकी दीवार नीचे आ गई और ये ओल्ड अलाइनमेंट का आप देख रहे हैं कि दीवार नीचे आने की वजह से पूरा का पूरा रोड जो है, जो लिंक रोड है हमारा जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिसमें संगलदान है, गूल है, मैत्रा है, पूरा कैचमेंट एरिया रामबन डिस्ट्रिक्ट का पूरा कैचमेंट एरिया यहाँ कवर होता है। यहाँ से सब गाड़ियाँ आती जाती हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से रश है यहाँ पे। और ये जो है मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गेमन कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने इस हमारे रोड का लिंक रोड की तबाही बर्बादी कर दी। ये नेशनल हाईवे 4 लाइन बन रहा है, हम भी चाहते हैं बने और हर कोई चाहता है नेशनल हाईवे बने, लेकिन लोगों का लिंक रोड जो है पहले इनको ठीक करना होता है। इन्होंने लिंक रोड क्यों नहीं ठीक किया, इस लिंक रोड को ब्लैक टॉपिंग करनी चाहिए थी, इसकी नाली बनानी चाहिए थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गेमन कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका कसूर है, क्यों हमारे लोगों को, टाउन के लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लोग जो हैं यहाँ पैदल नहीं चल सकते हैं, इतने खड्डे हैं इतने बड़े बड़े और गाड़ियाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से क्रॉस होती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि गेमन कंपनी, अब ये आप देखिए यहाँ जितने भी ये लोकल सिटीजन से यहाँ आए हुए हैं और कुछ यहाँ आ जा रहे हैं और इन सब की ये डिमांड है कि ये जो रोड है ये आप गेमन कंपनी यहाँ काम कर रही है, करोड़ों अरबों रुपये कमा रही है और गेमन कंपनी और हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका ये फर्ज बनता है कि पहले जो है इस रोड को, जो लिंक रोड है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाता है, जो कैचमेंट एरिया का रोड है, इस रोड को ब्लैक टॉपिंग की जाए, इस रोड को ठीक किया जाए, इसकी जो नाली उसको ठीक किया जाए और ब्लैक टॉपिंग करके इसको रोड पहले ठीक किया जाए फिर अपना काम शुरू करें। ये क्या वजह है कि इन्होंने एक तो यहाँ पे काम स्लो कर रखा है, ये सारा काम तेज़ी से होना चाहिए था, पहले रोड लिंक रोड हमारा ठीक होना चाहिए था, नहीं ठीक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सख्ती के साथ कहना चाहता हूँ कि ये गेमन कंपनी, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या वजह है, क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वजह क्या है उसकी। और ये साफ दिखता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ ढीली है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं पूछ रही है कि क्यों रोड की ये हालत है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूछना चाहिए कि रोड की हालत ख़राब क्यों है। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई बीमार औरत आएगी, प्रेगनेंट वूमेन आएगी गाड़ी में, मुश्किल से अब गाड़ियाँ आज चली हैं, आज से गाड़ियाँ चली हैं, गाड़ी में आएगी यहाँ जंप लगेंगे, उसका क्या हाल होगा। कोई बूढ़ा बेचारा बीमार जो है वो दूर से कहीं से आएगा अपना इलाज कराने, वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा, रोड का ये हाल है। और आप देख रहे हैं कि और बारिश गिरेगी 4 या 10 दिन ये रोड जो है नीचे आ जाएगा, ऊपर का हाईवे भी नीचे आ जाएगा, हमारे रामबन टाउन को तबाह बर्बाद कर दिया इन कंपनियों ने। क्यों इन कंपनियों ने इस रोड को ठीक नहीं किया, पहले लिंक रोड क्यों नहीं बनाया। टाउन का ये हाल आप देख रहे हैं, देखिए कैसे बड़ी मुश्किल से रुका है, पता नहीं क्या ऊपर वाले की वजह से ये रुका हुआ है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गेमन कंपनी और हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है फौरन जो है इस रोड को ठीक करें और जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक करके ब्लैक टॉपिंग करें, तब जाके अपना काम शुरू करें। ये हम काम नहीं करने देंगे यहाँ। क्या क्यों हमारे लोगों को सताया जा रहा है, क्यों सता रही हैं कंपनियाँ हमारे लोगों को। अब खुद करोड़ों अरबों रुपये एयर कंडीशनर में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं और हमारा गरीब यहाँ पे मर रहा है, यहाँ पे चल नहीं पा रहा है, वो अपने हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहा है, स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है, कॉलेज नहीं पहुँच पा रहा है, क्यों मुश्किल में हमारे लोगों को डाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सख्ती के साथ कि इस रोड को फौरन ठीक किया जाए। ये पुराना ओल्ड अलाइनमेंट है, नेशनल हाईवे है, यही पुराना नेशनल हाईवे। और इसका क्या हाल, 6 साल पहले अगर 5 साल पहले आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि ये रोड जो है इस पर ब्लैक टॉपिंग थी, बहुत अच्छा रोड था, लोग आते जाते थे, गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन आज इस रोड की जो सत्यानाश कर रखा है कंपनी ने, उसको ठीक किया जाए फौरन। जय हिंद।